उस वक्त को भी चरितार्थ करने में बहुत बड़ी सहायता मिलेगी। इसके लिए एक टोल फ्री नंबर 1962 की व्यवस्था की गई है। आज का यह अवसर इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि आज भारत सरकार की राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना के अंतर्गत श्यामपुर में नवीन प्रयोगशाला का शिलान्यास भी किया जा रहा है, जिससे पशुधन विकास में हमारे प्रदेश को लाभ मिलेगा। और जो माननीय प्रधानमंत्री जी की कल्पना है कि किसानों की आय, पशुपालकों की आय लगातार बढ़नी चाहिए, उनके जीवन में सुधार होना चाहिए, एक बहुत बड़ा मील का पत्थर ये आज का दिन, जिस दिन हमारी अनेकों योजनाओं को यहां पर शुभारंभ किया जा रहा है। इतना ही नहीं, इस योजना के अंतर्गत नेशनल डिजिटल लाइफ स्टॉक मिशन को चंपावत एवं उधम सिंह नगर में, दोनों ही जिलों में आज प्रारंभ किया जा रहा है। भाइयों बहनों, जब जब हम डबल इंजन की सरकार की बात करते हैं तो कई बार लोग कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार क्या है, लोग पूछते हैं कि डबल इंजन क्या है। आज के इस कार्यक्रम में जितने भी विकास के कार्य प्रारंभ किए जा रहे हैं, यह भारत सरकार के मंत्री आदरणीय संजीव बालियान जी इस मंच पर बैठे हुए हैं, यह योजनाएं और यह लोकार्पण और प्रारंभ होने वाली योजनाएं, इतना ही पर्याप्त है डबल इंजन को बताने के लिए कि सारी योजनाएं किस तरीके से आगे बढ़ रही हैं। भाइयों बहनों, बिना केंद्र की सरकार के सहयोग से हम इतने महत्वपूर्ण कार्य कर नहीं सकते हैं। ये तभी होता है जब दोनों ही सरकारें, केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार, दोनों सरकार एक दिशा में चलने वाली सरकार हो, दोनों में आपसी सामंजस्य हो। जो केंद्र की सरकार करना चाहती है, राज्य उस दिशा में सोचे, और जो राज्य की आवश्यकताएं हैं, केंद्र की योजनाओं को यहां पर प्राप्त कर देने का काम करे, उन योजनाओं को आगे बढ़ाने का काम करे, तब जाकर ठीक प्रकार से विकास का पहिया चलता है। और यह तभी संभव हो पा रहा है जब आज दोनों ही सरकारें, जिनको बनाने का काम आप सब लोगों ने किया है, चाहे राज्य की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो। मैं उत्तराखंड देवभूमि की 125 करोड़ देवतुल्य जनता की ओर से केंद्र सरकार का, विशेष रूप से आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि भाइयों बहनों, उन्होंने हर क्षेत्र में हमारे राज्य को प्राथमिकता दी है। कोई ऐसा सेक्टर नहीं है जहां पर केंद्र की सरकार का हमको सहयोग प्राप्त न हो रहा हो। भाइयों बहनों, हम जानते हैं पशुपालन कृषि के साथ उत्तराखंड के लाखों परिवारों की ये रीढ़ है, उनके परिवारों को चलाने का काम हमारा ये पशुपालन के माध्यम से होता है। हमारे प्रदेश में 80% से भी अधिक ग्रामीण परिवारों को रोजगार प्रदान करने वाला पशुपालन व्यवसाय न केवल उनकी आजीविका का मुख्य साधन है, बल्कि हमारे प्रदेश के संतुलित पोषण का भी एक आधार है। देखिए, सामान्य से सामान्य परिवारों में भी एक गाय होती है, एक भैंस होता है, उसी से वो जहां अपने घर का ठीक प्रकार से पोषण कर पाते हैं, ठीक प्रकार से अपने परिवार को आगे बढ़ाने का भी काम करते हैं। मैंने बहुत नजदीक से इन सबको देखा है और पूरे पशुपालन व्यवसाय का राज्य के सकल घरेलू उत्पादन में 3% का योगदान है। सभी छोटे पशुपालकों व दुग्ध व्यवसायों के सम्मिलित प्रयासों के फलस्वरूप आज हमारा प्रदेश, हमारा देश डेयरी के उत्पादन में भी शीर्ष देशों में शीर्ष स्थान पर है। मेरा मानना है कि पशुपालन व्यवसाय में निवेश ग्रामीण क्षेत्रों के विकास का मुख्य साधन हो सकता है और उसके लिए जो योजनाएं हमारा पशुपालन विभाग लगातार कर रहा है, वो यहां की भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखकर, यहां की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर उसको आगे बढ़ाने का काम हो रहा है। भाइयों बहनों, आज बड़े हर्ष का विषय है कि भारत की डिजिटल क्रांति डेयरी के क्षेत्र में भी एक अभूतपूर्व स्थिति में जा रही है और अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुकी है। धीरे धीरे जिस प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं, आज प्रधानमंत्री मोदी जी के कुशल नेतृत्व में पहली बार डेयरी पशुओं का भी बड़ा डाटाबेस तैयार किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत डेयरी पशु को एक विशिष्ट टैग लगाया जा रहा है।
डेयरी व्यवसाय क्षेत्र के लिए विकसित किया गया डिजिटल पेमेंट सिस्टम भी बदलते भारत का उदाहरण है। यह पेमेंट सिस्टम पूरे विश्व के डेयरी व्यवसायों के लिए एक सहायक सिद्ध हो सकता है। भाइयों बहनों, जहां हम पशुपालन की बात करते हैं, आज औद्योगिकी की बात करते हैं, अन्य क्षेत्रों की बात करते हैं, हम जितने प्रकार की भी आज अपने उन्नयन की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं, तो उत्तराखंड राज्य के अंदर हम जब तक अपनी मातृशक्ति यानी कि महिलाओं की बात न करें जिन्होंने राज्य की आर्थिकी को आगे बढ़ाने का जहां काम कर रही है, परिवारों को आगे बढ़ाने का काम कर रही है, इस राज्य को बनाने में भी उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। इसलिए मातृशक्ति के योगदान को रेखांकित करते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि महिलाएं इस क्षेत्र की वास्तविक नायिकाएं हैं, जो इस क्षेत्र में रात दिन काम करती हैं। आज भी कई गांवों में पशुओं की देखभाल अधिकतर मातृशक्ति के माध्यम से ही होती है, चाहे वो पशुओं को चारा बनाने की बात हो, विशेषकर ऊपर के क्षेत्रों में, पर्वतीय क्षेत्रों में, गांव में मातृशक्ति की सबसे अधिक समस्या चूल्हे में खाना बनाने की होती थी। और हमारी केंद्र की सरकार ने गोवर्धन योजना प्रारंभ की है, जिससे कि गांव में गैस प्लांट लगाकर इस समस्या को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। इस योजना का मुख्य आधार भी पशुधन ही है। भाइयों बहनों, बीमार आज पशुओं में होने वाली बीमारियां हमारे पशुपालक उससे हमेशा परेशानी में पड़ जाते हैं, हमेशा वो समस्या हो जाती है। मुझे भली भांति इसकी जानकारी है। पहले के समय में अलग प्रकार की बीमारियां आती थी और अब अनेकों प्रकार की नई बीमारियां आ रही हैं, क्योंकि मैंने बचपन गांव में ही मेरा बीता है और मैं एक सामान्य किसान के रूप में कहिए या एक सैनिक के परिवार के नाते कहिए, सैनिक किसान के बेटे के नाते कहिए, मैंने बचपन से आंगन में हमेशा गाय और भैंस बंधी हुई देखी है। और वो किस प्रकार की व्यवस्था को आगे बढ़ाती है उसको मैं भली भांति महसूस करता हूं। वर्तमान समय में पूरे विश्व में एक लंबी रोग से पशुपालक बहुत परेशान है, परंतु यहां उत्तराखंड के अंदर हमारी सरकार ने इसको बहुत तेजी से कंट्रोल किया और लगभग सभी जगह पर उस रोग को पूरी तरह से रोकथाम कर पाने में हम सब लोग सफल हुए हैं। और अभी हाल में ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी संपूर्ण विश्व को सूचित किया कि देश में लंबी स्किन रोग के नियंत्रण हेतु स्वदेशी टीका भी तैयार कर लिया गया है और वर्ष 2025 तक समस्त पशुधन के 100% टीकाकरण का लक्ष्य भी प्राप्त कर लिया जाएगा। हमने केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों को प्रभावी तरीके से लागू करके राज्य में लंपी स्किन डिजीज को पूरी तरह से नियंत्रित करने में सफलता प्राप्त की है। इस रोग के नियंत्रण के लिए प्रदेश में लगभग 6 लाख से अधिक पशुओं का टीकाकरण किया जा चुका है। भाइयों बहनों, ये बड़ी प्रसन्नता की बात है कि हमारे राज्य ने राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत भी जितने लक्ष्य थे उन सभी लक्ष्यों को उनमें से कई लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया है। मुझे यह बताते हुए भी हर्ष हो रहा है कि पशुधन विकास बोर्ड ने राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान के साथ गायों में क्लोनिंग के विषय में एक समझौता किया है, जिससे हमारा राज्य गायों में क्लोनिंग बछड़ों के उत्पादन वाला पहला राज्य बन जाएगा। राष्ट्रीय पशुधन मिशन की उद्यमिता विकास योजनाओं के अंतर्गत बकरी फार्म, कुक्कुट फार्म एवं सुगर फार्म की स्थापना के लिए हमारे राज्य के कुछ उद्यमों को केंद्र सरकार की ओर से अनुदान की प्रथम किस्त के रूप में 52.50 लाख रुपए
52,50,000 रुपए प्राप्त हो चुके हैं। और अभी अभी माननीय मंत्री जी मुझे बता रहे थे कि ये गोट फार्मिंग में भारत सरकार की तरफ से 50% की सब्सिडी दी जा रही है, यानी कि अगर 1 करोड़ रुपए का कुल इनको इसमें इन्वेस्टमेंट करना है, फार्म बनाना है, तो 50 लाख की अगर 50 लाख की सब्सिडी भारत सरकार दे देगी, 40 लाख का लोन हो जाएगा। अपने जमा पूंजी में से कहिए या कहें कि पूंजी में से मात्र 10 लाख रुपए की व्यवस्था में आपके पास 1 करोड़ रुपए का व्यवसाय खड़ा हो जाएगा, एक बड़ा काम हो जाएगा। मैं इसके लिए भी माननीय मंत्री जी का, क्योंकि वो स्वयं एक किसान है और पशुपालकों के बीच से ही निकले हैं, उस क्षेत्र में उन्होंने काफी काम किया है, इसलिए वह तेजी से किसानों के पशुपालकों के दर्द को समझते हुए उन सबके समाधान के लिए आगे बढ़ रहे हैं। भाइयों बहनों, यह योजना जहां हमारे प्रदेश के पशुपालकों के लिए भी एक वरदान साबित होगी, इसी प्रकार से किसान क्रेडिट कार्ड जारी करके हमारे राज्य में, देश में भी, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी के जितने भी ये मुख्यमंत्री कॉन्क्लेव होते हैं, मुख्यमंत्री सम्मेलन होते हैं या हमारी जो बैठक होती है, उसमें हमेशा किसानों की बातों को प्राथमिकता से लेते हैं। तो हमने यहाँ किसान क्रेडिट कार्ड के क्षेत्र में भी एक रिकॉर्ड बनाया है। हमने जो निराश्रित पशुओं को आश्रय और भरण पोषण प्रदान के लिए गौ सदनों को प्रति 30 रुपए प्रतिदिन की सहायता भी हम प्रदान कर रहे हैं। पहले के समय में ये मात्र 6 रुपए दी जाती थी और हमने इसको, हमारी सरकार ने निर्णय लिया, इसको बढ़ाने का फैसला लिया, क्योंकि इतने कम धनराशि में उनका भरण पोषण नहीं हो सकता है। इसके लिए हमने जो है 30 रुपए प्रतिदिन की सहायता का प्रावधान किया है। हम पर्वतीय क्षेत्र की बकरी नस्ल की गायों को घी को राज्य सहकारिता दुग्ध संघों के माध्यम से बेच रहे हैं, जिससे नई नस्ल की गायों का संरक्षण हो सके। हमारे राज्य की आर्थिकी और में पशुधन क्षेत्र का महत्वपूर्ण योगदान को ध्यान में रखकर इस क्षेत्र के और अधिक इस क्षेत्र को रोजगार पर बनाने के लिए राज्य पशुधन मिशन की घोषणा की जा रही है। राज्य पशुधन मिशन में आने वाले 2 वर्षों में लगभग 60 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा और मिशन के द्वारा 4 लाख से अधिक पशुपालकों एवं कुक्कुट पालकों की आय में वृद्धि होगी। इस मिशन के द्वारा राज्य में जहां 10,000 पशुपालकों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार उपलब्ध हो सकेगा, करीब 7,000 पशुपालकों को प्रत्यक्ष रोजगार का लाभ पहुंचेगा। जैविक कृषि के क्षेत्र में विकास का मुख्य आधार भी पशुधन ही है, इसके लिए पशुओं के गोबर को जैविक खाद तक पहुंचाने के लिए भी हमारी सरकार विशेष रूप से प्रयास कर रही है, विशेष रूप से इस ओर हम लोग प्रयासरत हैं। भाइयों बहनों, मुझे आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि पशुपालन और डेयरी के क्षेत्र में केंद्र तथा राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे ऐसे नवीन प्रयास, जिनका केवल एकमात्र उद्देश्य है कि हमारे पशुपालक भाई बहनों के जीवन स्तर को आगे बढ़ाना है, उनकी आय को बढ़ाना है, उनके जीवन स्तर में सुधार लाना है, उनके प्रयासों से हमारे राज्य में युवाओं को रोजगार के जहां नए अवसर प्राप्त होंगे, बल्कि ग्रामीण आर्थिकी भी मजबूत होने के साथ साथ, जो हमारे यहाँ की एक बहुत बड़ी समस्या है पलायन, और हम सब लोग उसमें, जहां हमारा पलायन रोकथाम आयोग भी काम कर रहा है, हमारी अन्य संस्थाएं भी काम कर रही है, सरकार के माध्यम से भी हम काम कर रहे हैं कि कैसे हमारे उन क्षेत्रों का माइग्रेशन रोका जाए और कैसे उसको रिवर्स माइग्रेशन की दिशा में और प्रयास किया जाए। इस प्रकार की जो हमारी योजनाएं हैं भारत सरकार की, राज्य सरकार की मिलकर, ये हमारे रिवर्स माइग्रेशन को भी प्रोत्साहित करने का काम करेगी, रिवर्स माइग्रेशन को वापस लाने का काम करेगी। जो लोग हमारे बीच से आज अनेकों स्थानों पर जाकर भारत में, विदेशों में, उत्तराखंड के लोग, पूरी दुनिया के अंदर, जिन्होंने इस माटी से निकलकर अपने मेहनत के दम पर, अपनी प्रतिभा के दम पर, अपने परिश्रम के दम पर उन्होंने एक मुकाम हासिल किया है, उन सभी का भी हम लोगों ने, मैं विभिन्न विभिन्न अवसरों पर जब भी उनसे मिलता हूं तो उनसे भी मैं अनुरोध कर रहा हूं कि आइए और अपनी जो पैतृक भूमि है, जो अपने पूर्वजों की भूमि है, उस भूमि से जुड़िए और जो आपने अनुभव प्राप्त किया है, जो आपने जीवन में एक बड़ी अपने आप को रचाया है, बसाया है, आप यहां आकर उसको जो है अपने अनुभव को बांटिए और अपनी इस भूमि को फिर से जो है रचाने बसाने का काम करिए। तो मुझे पूरा विश्वास है कि जो हमारे
उत्तराखंड के प्रवासी भाई हैं जो विभिन्न स्थानों पर रहते हैं, वह भी हम सब की मंशा को समझते हुए, क्योंकि हम लोगों ने ये संकल्प लिया है कि सबके सहयोग से, सबके आशीर्वाद से, सबकी शुभकामनाओं से हमें 5 साल अगले 10 साल जहां राज्य की जो हमारी आर्थिकी है, जो हमारी जीएसटी की जो ग्रोथ रेट है उसको दुगना करना है, तिगुना करना है, उसको बढ़ाना है, वहीं उत्तराखंड को जो कि जहां पर हमको, जहां हमारे अभी सौरभ भगवान जी बता रहे थे कि पीछे जो हमारे पर्वतीय क्षेत्र है जहां पर हम उतना ज्यादा सीधे सीधे गाय और भैंस पालकर नहीं कर सकते, वहां पर गोट बैरियों को बनाने का काम हमने प्रारंभ किया है वहां की भौगोलिक स्थिति के अनुसार, वहां की आवश्यकताओं के अनुसार। उसी प्रकार से हर क्षेत्र में 5 सालों में 10 सालों में उत्तराखंड हमारा हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में शामिल हो और 2025 तक हमारा ये विभाग, पशुपालन विभाग, अपने यहाँ पर कोई न कोई एक ऐसी योजना, एक योजना, दो योजना, तीन योजनाएं, ऐसी योजनाएं संचालित करें जो कि उत्तराखंड में ही नहीं बल्कि हमारे माननीय मंत्री संजीव भाई जाकर देश में दूसरे प्रदेशों में जाकर कहें कि उत्तराखंड के लोगों ने ये एक अच्छा काम उत्तराखंड के अंदर किया है जिसको पूरे देश में किया जा सकता है। मुझे पूरा विश्वास है कि हम सब लोग करेंगे आज के इस अवसर पर। आज के इस अवसर पर जहां माननीय मंत्री जी ने भी मुझे कहा है कि हमारा जो एनपीए है, जो हमारे वेटनरी के डॉक्टर हैं, उनके बारे में चूंकि उनको एनपीए नहीं मिलता है तो इनका एनपीए दिया जाएगा, क्योंकि जहां पशुपालन की बात करने वाले भी करता हूं कि भारत सरकार की 100% आर्टिफिशियल इंसिमिनेशन सेक्स मार्टेड जो सीमेन है वह भी किया जाएगा, मैं इसकी भी घोषणा करता हूं। आज के अवसर पर चुनाव सभी का विभाग को, सौरभ भवना जी को, उनकी पूरी टीम को बहुत आज के इस अवसर पर बहुत उनको शुभकामनाएं देते हुए, बधाई देते हुए, अपने सभी पशुपालक भाई बहनों को बहुत बधाई देते हुए कि वो निरंतर इस क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। और संजीव बालियान जी का एक बार पुनः देवभूमि, वैसे तो वो रोजी आते रहते हैं मुजफ्फरनगर में, लेकिन आज औपचारिक रूप से और हमारे परम मित्र हैं, मेरे तो भाई समान है, तो इसमें मैं उनका पुनः इस धरती पर अपनी तरफ से स्वागत एवं अभिनंदन करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी का हार्दिक धन्यवाद आज के कार्यक्रम में हम लोगों को अपने आपसी वचनों की प्रताप करने के लिए। भारत सरकार पशुपालन विकास एवं डेयरी विकास मंत्रालय द्वारा लाइफ स्टॉक हेल्थ एंड डिजीज कंट्रोल स्कीम के तहत आज हमारे प्रदेश में पहली बार 60 मोबाइल बैटरी यूनिट सचल सुरक्षा वाहनों का लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री जी एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा किया जाना है। इस मोबाइल व्हीकल के लिए हमारा पशुपालक बंधु 1962 पर फोन करके अथवा जो हमारा 24/7 हेल्पलाइन नंबर है 1800120882 पर फोन करके या ई गोपाला करके पूछ करके इन सुविधाओं का लाभ ले सकेंगे। अब मैं हमारे आज के कार्यक्रम के माननीय मुख्य अतिथि तथा माननीय अधिक